अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे उस्मान सईद। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ समर वर्कआउट रूटीन, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई, हर एक को चाहिए कि वर्कआउट की रूटीन क्या रहेगी, डाइट प्लान क्या रहेगा। तो बहरहाल ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा वर्कआउट की रूटीन और समर में आपने कौन सा डाइट प्लान यूज़ करना है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपको वीडियो उसकी भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और हाँ न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर आपने मुझसे कोई पर्सनली क्वेश्चन करना है या कोई बातचीत करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे चले जाएं, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना इंस्टाग्राम पे जाके आप ही सर्च कर लो मान स्टार या मान फिटनेस के नाम से आपको अकाउंट मिल जाएगा। तो चलें हम टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट। बात किसकी कर रहे थे, समर में वर्कआउट की। समर आपको पता है कि जब आप गर्मियों में वर्कआउट करते हैं तो सर्दियों की निस्बत आपका पसीना जो है एज़ कम्पेयर टू विंटर बहुत ज़्यादा, कह लें कि हद से ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इतनी आपने सोची भी नहीं होती, यानी कि आप पानी इतना पीते नहीं है जितना पानी आप निकाल देते हैं। तो बहरहाल समर में आपको क्या वर्कआउट फॉलो करना चाहिए ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें जो है तीन तरह के जो है ना टाइप के लोग मैंने इसमें ऐड किए, क्योंकि देखिए हर एक का लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट है, हर एक का वर्किंग डिफरेंट है, तो हम हर एक को एक जैसा वर्कआउट जो है वो सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक लाइफ से एक टाइम से गुजर के आया हूँ तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को। तो बहरहाल जिस तीन टाइप्स में मैंने इनको डिवाइड किया है लोगों को, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक तो लाइफस्टाइल ऐसा है फुल टाइम चिल, यानी मम्मी डैडी माहौल, 24 घंटे एसी, उन्होंने पता ही नहीं कि गर्मी आई है या नहीं आई, एक हो गया। दूसरा ऐसे लोग जिनको गर्मी का भी फील होता है, और दूसरा लेकिन उसका लाइफस्टाइल इस तरह का जैसे ऑफिस वगैरह में है या घर में एसी वगैरह लगा हुआ है, तो वो गर्मी और मौसम इंजॉय कर रहे हैं, दोनों पता चल रहा है कि गर्मी है। और एक तीसरी टाइप के लोग जो बेचारे लो लेवल के हैं, समझ लें कि जो लेबर टाइप के हैं, जिन्हें 24 घंटे जो है गर्मी में ही गुजारना होता है अपना टाइम, लेकिन उसके बावजूद जिम जाने का शौक है, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो सल्यूट है उन लोगों को। बहरहाल अब आपने, मैंने इन तीन तरह के लोगों को आपको जो है डिवाइड कर दिया, अब आपने सेट करना है आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब मैं आपको इन तीनों के वर्कआउट की रूटीन बताऊंगा। नंबर वन, जिसका लाइफस्टाइल है बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला, यानी 24 घंटे चिल माहौल, उन्हें पता ही नहीं गर्मी आ रहा, तो मेरे भाई आपके लिए तो कोई ऐसा चेंज आया ही नहीं लाइफ में, बल्कि आपको तो पहले से ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए। बिकॉज देखो अब जो आप इंजॉय कर रहे हो ना, यानी कि ठंडे मौसम को, वो आपका आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी लग सकती हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेस्ट है कि आप जिस तरह से विंटर में वर्कआउट कर रहे थे, आपका कार्डियो मसल ट्रेनिंग सब कुछ, आप सेम रूटीन उसी तरह ही समर में भी रखो, बल्कि पहले से ज़्यादा कर लो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नंबर टू पे वो लोग जो यानी कि नॉर्मल है, यानी कि नंबर टू कैटेगरी में आते हैं, तो मेरे भाई देखिए आपने क्या करना है, आपने अपने वर्कआउट के ड्यूरेशन को कर देना है थोड़ा सा कम। लाइक अगर आप 1 घंटा वर्कआउट करते थे तो अब आप 45 मिनट सिर्फ वर्कआउट करोगे, और अगर हम इसको सेट्स में डिवाइड करें तो मैक्सिमम 5 सेट, यानी कि 5 सेट से ज़्यादा आपने किसी भी एक्सरसाइज के सेट नहीं करने। अब वो 5 किस तरह से, लाइक अगर आपने चेस्ट की ट्रेनिंग की है तो बेंच प्रेस किया, इंक्लाइन प्रेस किया, केबल क्रॉस की, बटरफ्लाई की, पुल ओवर लगाई, और उसके साथ कोई भी एक डंबल प्रेस कर ली, तो भाई ये 5 एक्सरसाइज हो गई। अब आपने कोई नवा शशका नहीं पाना कि जी मैं हूँ ऐ भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उंज भी कर लूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, बस 5 एक्सरसाइज की, अपने आप को पंप किया, उसके बाद घर चले जाओ, इससे ज़्यादा वर्कआउट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आगे थर्ड कैटेगरी के लोग, अब उसमें क्या होता है, देखो यार आप पहले ही 24 घंटे जो है एक किस्म के समझ लें हर ना चाहते हुए भी स्वेटिंग हो जाती, माड़ा माहौल है, कि यानी कि अब नहीं है वो वाला गर्मी की शिद्दत इतनी है, 40 डिग्री तक जो है टेम्परेचर चला जाना है पाकिस्तान में, और अभी भी मेरा ख्याल 30+ ही हुआ हुआ है। तो प्यारे भाई अब आप इतनी गर्मी में सारा दिन गुजारने के बाद ना उस तरह से डाइट ले पाते हो, ना कोई प्रॉपर प्लान से चल पाते हो, फिर वर्कआउट भी आके अब आपने उसी पोटेंशियल के साथ करना है कि बाबा जी मैं फटे चक देने हैं सारे, तो ये वाला काम नहीं करना, ऐसा मत करें। आपने क्या करना है, आप मैक्सिमम 30 मिनट्स, यानी जिम आओ सिर्फ 30 मिनट में 3 से 4 सेट, मैं तो आपको यही कहूँगा कि 3 सेट कर लो, 1 ड्रॉप सेट कर लो, बाकी के 2 नॉर्मल वर्किंग सेट करो और चुप करके घर चले जाओ, यानी कि बॉडी को बस पंप रखो, उसको लगे कि हाँ यार इस पे वर्किंग हो रही है, बस इससे ज़्यादा वर्कआउट मत करो। बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हैं आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग में खाली ये नहीं कि आपकी फैट बर्न हो रही है, इसके साथ साथ आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो कि इसेंशियल हैं, जो कि ज़रूरी हैं,
वो भी आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, लाइक आपकी बॉडी से साल्ट, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये स्वेटिंग के थ्रू ये सब कुछ बाहर जाता है, जिसकी वजह से आप बॉडी बनाने की बजाय उल्टा और ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए और आप इसको लाजमी ये जो है इसमें समर में इसको फॉलो भी कीजिएगा और जो रिजल्ट्स आपके साथ रहे मेरे साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इसी तरह ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियोज़ को। अल्लाह हाफ़िज़।